ओंकार और ये ना सिर्फ ब्लॉग्स पे व्यूज लेने के लिए ऐसी चीजें बोल देते हैं, इन्होंने ये चाहते ही नहीं मैं रंग देख सकूं। जब ब्लॉग शुरू भी नहीं किए थे ना तब से मैंने सोचा हुआ है। आज हम जाने लगे हैं मामा जी के, और आज से मैं शिफ्ट कर गया हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, क्योंकि ओंकार कर रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग और उस ओंकार को भाई साहब गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी तोंद कम करने के लिए मैं भी थोड़ी सी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखता हूँ, क्या पता मेरे को भी अच्छे रिजल्ट आए। तो मैं सुबह सुबह मैंगो शेक की जगह पी रहा हूँ ब्लैक कॉफी, और मेरे ख्याल से मेरा 2 बजे तक का इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम है, तो मैं 2 बजे तक कोशिश करूंगा कि कुछ ना खाऊं, कोई भी काब वाली चीज ना खाऊं। तो तब तक मैं ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और बिना शुगर वाली चीजें लेने वाला हूँ। और मैं एक बार ना मुक्ति से मान्यता ले लेता हूँ इस चीज की, क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता ये सब चीजें कैसे काम करती हैं एग्जैक्टली। तेरा क्या मान्यता है मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में? बस मेरी एक ही मान्यता है कि जाके मेरा यूट्यूब चैनल चेक करो बस। नहीं लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए, मतलब जैसे ओंकार को रिजल्ट आ रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। नहीं नहीं, हमारी गोलियां खा रहा है वो मेटाबॉल्स, क्या वो मेटाबॉल्स भी खा रहा है, उससे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत इतना ज्यादा तेज होता है ना, बहुत ज्यादा पड़ता है, और उससे प्रॉपर भूख भी लगती है, और आपका लाइक डाइट रूटीन भी फिक्स होता है धीरे धीरे। तो तू मतलब मानती कि मेरा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से कुछ फर्क पड़ेगा बॉडी पे? क्योंकि मैं काफी देर से जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, देख फर्क तो पड़ेगा, बट इट्स अबाउट कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते। जैसे मुझे लगती है बहुत ज्यादा भूख, मुझसे सुबह उठते मुझे कुछ खाने को चाहिए। लाइक आपके मन की इच्छा के ऊपर है, वैसे आप वेट लूज बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग? बॉडी डाइट के हिसाब से। अब जैसे मेरा जो है आयुर्वेदा में मेरा पित्त दोष डोमिनेटिंग है, तो मेरे को मेरे से रहा नहीं जाता भूखे ज्यादा देर, तो मेरे को सुबह उठते कुछ चाहिए। अब तेरी बॉडी टाइप कैसी है मुझे पता है, तू भी मेरे वाला ही है, तुझे सुबह उठते भूख लगती है। मेरी बॉडी टाइप तो मुझे पता नहीं कैसी है, मेरे में दोष बहुत है, दोष बहुत, कौन सा दोष है मुझे ये नहीं पता। जो मेरी ये तोंद निकल रही है दिन पे दिन बाहर, और पापा से हर दिन मुझे गालियां पड़ती हैं, वो शायद थोड़ी अंदर कंट्रोल हो जाएगा अगर तू कर पाता है। मतलब मेरी एक या दो मील्स तो मिस हो ही जाएंगी इंटरमिटेंट से, तो उससे मैं कैलोरी डेफिसिट पे तो आई जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं, वो नहीं करता मैं, वो नहीं करता। कब गालियां निकाली? पाप निकालते तो हो कि मोटा हो गया पेट, देख अपना कहाँ जा रहा है। वो तो बिल्कुल बोलूंगा। हाँ तो फिर वही तो मैं उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा ना। तो अभी पहले मामा जी के जाते हैं, फिर आने के बाद मैं ब्लॉग अपना कंटिन्यू करूंगा। तब तक अगर मुक्ति को आपको कुछ दिखाना है कि ये कोई मेकअप वेकअप कर रही है, कोई टिकटॉक वगैरह बना रही है, सॉरी रील बना रही है, टिकटॉक एक ही बात है, तो वो दिखा देगी। ये नहीं होगा इसके बाद दिखाने को, तो मैं आपको आगे एंटरटेन कर ही दूंगा। तो घर से निकलने के बाद पहला काम हम करने लगे अपनी नंबर प्लेट फिक्स करना, क्योंकि नंबर प्लेट हमारी लटक चुकी है, और पुलिस वाली तरह तंग करते हैं ना नंबर प्लेट के चक्कर में, ये बिल्कुल ही नीचे लटक गई है। 6.5 hours later. वहां से आने के बाद नहा धो के अभी मैं रेस्ट ही करने लगा था, और फिर से तूफान वाला मौसम हो रहा है, और मुझे लगता है वही वाला हाल होने वाला है जो कल परसों हुआ था। देखो हवा चल रही है पूरी, इतने आम टूटे हैं ना उस दिन, मतलब वो छोटी छोटी अम्बियां सारी टूट गई जो पेड़ों पे लगी हुई थी, उसके आम बनने थे, हमने मीठे मीठे आम खाने थे। और मेन चीज एक और है कि हमें वर्कआउट करना है इसके बाद, और अगर तूफान आ गया आंधी आ गई तो हम वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मुक्ति लाइट चलेगी दोबारा से, तू क्यों नाच रही है? कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बस तूफान इससे ज्यादा ना बढ़े, इतना ही रहे। पर आज तुझे पता है मम्मी ने भी बताया कि न्यूज में आज आया हुआ है कि येलो अलर्ट या रेड अलर्ट कुछ ऐसे किया हुआ चंडीगढ़। अच्छा न्यूज में आया ना आज की रेड अलर्ट येलो अलर्ट, आपके लिए बहुत बड़ा आया न्यूज में। ये कहता आएगी मैं, तूफान आया तो हुआ, ये देखो जिस दिन ये पैदा हुई थी उसी दिन तूफान आ गया था। यार ये स्केटबोर्ड कैसा बहुत वाहियात है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। मुक्ति इसको स्केटबोर्ड कौन सी खा रहा है, क्यों ले रही है स्केटबोर्ड? यार एक गलती ना आदित्य पहले बचपन में कर चुका है, आदित्य ने बोला मुझे स्केटबोर्ड चला दो, मुझे स्केटबोर्ड सीखना है। भाई साहब इसने मेरे को लग रहा है एक महीना भी नहीं चलाया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मैंने मैंने शिवो स्केटबोर्ड आंचल कम से कम 1 साल चलाया है, पर मैं उसमें चूतड़ों के बाहर बहुत गिरा हूँ। मेरे चूतड़ इतने टूटे ना मेरे उसमें हिप्स, अच्छा माई हिप्स बिकेम मंकी चीक्स। 2 दिन बाद चूतर टूटेंगे, तू ऐसे ही कैंसिल कर। अरे नहीं यार ये ना शौक, 2 दिन का शौक है, इसको बस टांगना है अपने बेडरूम में कूल दिखने के लिए अपने दोस्तों के सामने। व्लॉग में बोला करे कि देखो मैं स्केटबोर्ड चलाती हूँ, मैं स्केटबोर्ड रिकॉर्डिंग करेंगे ना तब आएगा ना, तब बेसी होगी। यार आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए यार। तू एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा फिर वर्कआउट कर। चलो भैया ये देखो मेरे ऊपर अभी टिपका गिरा है। टिपका नहीं कहते उसे, बूंद कहते हैं।
काली घटा छा चुकी है आपके वर्कआउट पे। है ना, वो देख कितना प्यारा लग रहा है वो वाला बादल। ये सुंदर सुंदर बादल के चक्कर में मेरा वर्कआउट मिस होने वाला है क्योंकि बारिश होने वाली है। शुरू हो चुकी है। चलो इससे पहले गर्म सर्द हो जाए कोई। चलो, किस्मत बहुत ही माड़ी है, ऐसा लगा था कि जल्दी से वर्कआउट कर लेंगे बारिश होने से पहले, बट अभी तो 5:30 हुए हैं और बारिश भी हो गई है। बारिश शुरू हो गई, अभी तो धूप ऐसे निकली थी थोड़ी सी बाहर। वो तो धूप के बीच बीच में बारिश हो रही है, वो रेनबो वाली बारिश हो रही है। चलो पहले रेनबो देख के आते हैं, सन भी है, बारिश भी हो रही है। रेनबो चला गया तो मिला रेनबो, ये लाइट सी तो आ रही है इसमें से। नाइस। हाँ चल, यहाँ तेरी फोटो कितनी अच्छी आएगी, ये बैकग्राउंड में आ रहा हो। आई एम गॉड, ओह मैं भगवान हूँ। आंखें बंद कर लेते, वीडियो है ये। अरे तो फोटो तो लो यार। चल लेता हूँ, चल। बारिश जल्दी चल, एक्सरसाइज होगी थोड़ी थोड़ी सी मेरी। हाँ, 4 मीटर भाग के एक्सरसाइज होगी। कितना अच्छा मौसम था यार, आने का मन ही नहीं कर रहा। भीग जा फिर ऊपर जाके, शट अप, जब मन ही नहीं कर रहा तेरा। यार मैं तो छोटी भी थी, भीगी हूँ ना बारिश में, कितना मजा आ रहा था। एक बात है कि जो पुणे वाले लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा बारिश का मजा लेने का मतलब बात करते हैं उस बारे में, जाके बताते कि दीदी वहाँ लोनावला लोनावला की बात। क्या मुक्ति बेइज्जती करा रखी तूने यार, लोनावला यार मुक्ति तू रहने दे, बस हो गया आज के लिए, आज इतना ही था, आज की पढ़ाई में इतना ही था। चिड़िया यार, वो देखना कहाँ है चिड़िया, वो देखो वहीं पे छुपी हुई है अंदर। तो चाहिए कितना मुश्किल होता है ना पंछियों के लिए छुपना, है ना। तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो हम सब ये सुनते हैं कितने लोग मर गए, ऐसा हो गया। जो जितने जानवर है, डॉग्स हो गए या जितने भी पंछी है, उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। बड़ा बुरा लगता है, तभी तो तेरे को हमने घर पे रखा हुआ है, तेरे बारे में हमने सोचा, फिर हम तेरे को घर ले आए थे। जब फिर आज रोने दे इसको, कोई नहीं, नीचे फेंको यार, मन हल्का करने दे। चिड़िया के साथ जाओ, उसके साथ घूमोगे फिरोगे तब उसको अच्छा लगेगा। चिड़िया जब उड़ेगी तो क्या करेगी, उड़ने लगेगी साथ में। चिड़िया की टांग पकड़ लूंगी, मुझे भी बचा लो। ऐसे कर, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, नहीं कोई बारिश हो रहा है, गाना बता ना हमसे। बरसो रे मेघा मेघा बर, रोमांटिक गाना। मैं अरिजीत सिंह हूँ, गिटार लेने चली गई। मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, आंचल ना अपनी खुद की रील्स रिकॉर्ड कर करके सेव करती है और उसमें वो खुद गाना गाती है। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है लड़की, जो जो जिनको पसंद करते हैं ना वो देख लो इसको, ये अपने गाने गा के उसको सेव करके रखती है कि कह रही मैं बाद में अपने बच्चों को सुनाऊंगी। तेरे बच्चे घर छोड़ के भाग जाएंगे आंचल। चलो गिटार में जाके सिखाते, बस बढ़िया सा। हे भगवान, ये मतलब एक ना वो तानसेन जब गाना गाता था तो बारिश होने लगती थी, तुम जब गाना गाते बारिश रुक जाती है, मुझे लग रहा बारिश रुकने वाली है कुछ देर में, अब बारिश भगा रहे हैं। और मुक्ति एक चीज और बता, लोग ना बहुत कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप आदित्य को आंखों वाला चश्मा कब दोगे जिस तरह के दिखते हैं। बर्थडे आ रहा है ना, गिफ्ट भूल ही गई थी मैं, इसको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ
ओंकार और ये ना सिर्फ ब्लॉग्स में व्यूज लेने के लिए ऐसी चीजें बोल देते हैं, इन्होंने ये चाहते ही नहीं मैं रंग देख सकूं। जब ब्लॉग शुरू भी नहीं किए थे ना तब से मैंने सोचा हुआ है, 10th क्लास में था मैं तब से बोल रही है, मेरे को बोला चश्मा दिलाएगी, तब ये कहती थी मेरे पास पैसे आ जाए मैं कमाने लगूं तब दिलाऊंगी, अब पैसे आ गए हैं तो ये पता नहीं क्या करके रही है। यार कोरोना ने परेशान क्या हुआ, यहां अपने एक नई शूट के लिए बाहर नहीं जा सकते, कोई खड़े हुए फटे हुए बचाने के हर टाइम पे परेशान होते थे। Amazon ने डिलीवरी नहीं बंद करी है, होगी। मैंने इनको मना किया था लेने का, लेने के लिए जब तक मेरी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो जाती कि किस चीज की कलर ब्लाइंडनेस है किस चीज की नहीं है, तो वो पता लग जाएगा उसके बाद ही ऑर्डर कर पाएंगे कुछ। डैडी डैडू डैडी आजा। हाँ दीदी बोल। मैगी बना। 2 मिनट का काम है। मौसम है सुहाना, वाह मूड है आज, मैगी है खाना, मुक्ति 2 रुपए का है, 2 रुपए आप भैया को दो आदित्य और आंचल को तो लगता नहीं बिल्कुल भी डर, और वर्कआउट मुझसे हो ही नहीं पा रहा टेंशन के बारे, और ना अभी हवा बिल्कुल बंद हो गई है, अब एकदम से तूफान शुरू होगा, तू नीचे एकदम से दीदी चलो नीचे चले जाओ, तू नीचे चले जाओ दीदी, दीदी तू नीचे चली जा, मुक्ति तू ना कर, कैसे से दौड़ना है कैसे से, मैं बहुत चिंता है आपकी, आप जाओ नीचे, और वो इतनी जल्दी तूफान आएगा ना कैसे सब करके चला जाएगा पता नहीं चलेगा, ऐसे ही होता है नेचर, नेचर का कुछ दीदी चलो नीचे, दीदी नेचर की नेचर का नहीं पता यार, नेचर की जितनी देर में तू ये बकवास मार रही है ना सेट कर ले अपना, चल तो मुक्ति जो डरपोक है ना इतनी उसकी हमने बात मान ली है, ये कह रही नीचे चलो नीचे हम बॉडी वेट वर्कआउट कर लेंगे, ये टैडी को ना हर एक चीज में टांग घुसानी होती है, टैडी तेरे लिए मैट नहीं बिछाई है बुल्ले, ओ ओ ओए मस्ती चढ़ गई बच्चे को, चल चला दी वर्कआउट कर बॉडी ठंडी हो जाएगी, शोल्डर करने थे तो हम पाइक प्रेस करेंगे शोल्डर के लिए, परफेक्ट है डू, तुम नहीं करोगे वर्कआउट आंचल और आदि मेरी बात को मजाक में ले रहे थे, बट सच्ची में अब ना हल्का हल्का तूफान आने लग गया, हवा चलनी शुरू हो गई है, वर्कआउट कर ले अंदर आके, हाँ कर रही हूँ ऐसे कर रही है, वो वेदर गर्ल नहीं होती जो तूफान की कवरेज करती है तूफान के अंदर खड़े होके, हम खड़े हैं इस बाहर में इस तूफान में, और देखिए वो आदमी डूब रहा है, वो आदमी डूबते दिखा देंगे उसकी हेल्प नहीं करेंगे वो वाले हाल में, तूफान से ना डरते हुए वर्कआउट करना जारी है, इसी बात पे आदित्य गौतम को मिलता है पद्मश्री अवार्ड, तालियां चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे, अपने भारी शरीर को अगर हल्का बनाना है इतना चला के वर्कआउट रोकने के लिए बीच में रुक गया, एक्सीलेंस अवार्ड गोज टू मुक्ति गौतम, क्योंकि मैं खली को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम, आप खली को फॉलो नहीं करते तो खली सर को फॉलो करो, वो भाई साहब इंस्पिरेशन है इंडिया के लिए, सीरियसली का जितना उन्होंने वर्ल्ड वाइड नाम बनाया ना इंडिया का, आपको भी फॉलो करना चाहिए उनको, मैं भी रिसेंटली फॉलो करने लगा हूँ, बड़ा मजा आता है उनके इंस्टाग्राम को देख के, बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं, इंटरेस्टिंग से ज्यादा उनमें अच्छी चीज पता क्या है, देसी फिल्टर नहीं है, तो क्या पहला दिन था ये नए वाले वर्कआउट का, पुश पुल और लेग्स वाले वर्कआउट का, बट मौसम की वजह से बारिश की वजह से सारा वर्कआउट खराब हो गया, बट हमने फिर भी जितना हो सका घर में नीचे आके किया, तो कल आई होप कल लेग्स डे है तो कल आई होप कि थोड़ा मौसम सही हो शाम को और हमारा वर्कआउट अच्छे से हो जाए, तो इसी के साथ करता हूँ मैं वीडियो को खत्म, आई होप यू लाइक द व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो गाइस बाय बाय गुड नाइट टाटा।